हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग CUET PG MCOM प्रोग्राम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है अकाउंटेंसी का, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, उस टॉपिक को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में समझेंगे कि लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेटर कौन होते हैं, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी का क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं लिक्विडेशन के टाइम पे, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है सर, मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, लिक्विडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कंपनी जो है वो एंड होती है, यानी कि उस प्रोसेस को इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी को बंद किया जाए, कंपनी पे ताला लगाया जाए, ठीक है। इसलिए लिक्विडेशन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। आइए इसे जरा देखते हैं। लिक्विडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द कंपनी इज ब्रॉट टू एन एंड, यानी कि कंपनी वहां पे खत्म हो रही है, कंपनी की निधन कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल्सो द एसेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द क्रेडिटर्स एंड ओनर्स, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया सर। सर लिक्विडेशन कब होता है सर, लिक्विडेशन तब होता है जब व्हेन कंपनी इज नॉट हैविंग एनफ फंड टू परफॉर्म देयर बिजनेस, ठीक है। जब कंपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाती है, तो उस केस में लिक्विडेशन का प्रोसेस किया जाता है सर, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी की बात आती है सर। सर जब कंपनी के पास फंड नहीं है अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने के लिए, तो उस कंपनी के कुछ तो क्रेडिटर्स होंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। बहुत सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जो है और एसेट साइड्स में जो कंपनी के एसेट्स हैं, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा सर, एंड करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा, तभी जाके कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म होगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं सर, कंपनी उठ के बोल देगी सुबह सुबह कि सर मेरे पास तो अब मैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पे ऑफ नहीं कर रहा हूं, इसलिए अब कंपनी में बंद कर रहा हूं। नहीं सर, इतनी आसान नहीं होती है कंपनी को लिक्विडेट करना। तो क्या होगा सर इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में जितनी भी कंपनी की एसेट्स हैं उन एसेट्स को सेल आउट करके जो भी उनकी लायबिलिटीज है कंपनी की, उसको पे किया जाएगा, ठीक है सर। और भी डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। आइए सर, इस लिक्विडेशन प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए एक इंडिविजुअल अपॉइंट किया जाता है, उसे कहते हैं लिक्विडेटर। उसे क्या कहते हैं सर, लिक्विडेटर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सर लिक्विडेशन टॉपिक का। अ लिक्विडेटर इज अ पर्सन विथ द लीगल अथॉरिटी, ये जो लिक्विडेटर होते हैं उनके पास लीगल अथॉरिटी होती है, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी टू सेल द कंपनीज एसेट्स बिफोर द कंपनी क्लोजेस, यानी कि ये जो लिक्विडेटर होते हैं वो लीगल अथॉरिटी उनके पास होती है कि वो ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी की ओर से वो जो भी कंपनी के एसेट्स है उनको सेल आउट करके वहां से फंड रेज करे, ठीक है, सेल आउट करे और जो भी लायबिलिटीज है कंपनीज की उसको पे ऑफ करे। अच्छा, लिक्विडेटर तो अपने पॉकेट से तो पे ऑफ करेगा नहीं, कंपनी के पास तो फंड है नहीं कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेगा, तो पे ऑफ कैसे किया जाएगा, कंपनी की एसेट्स को सेल किया जाएगा और उस सेल करने के बाद जो भी फंड रेज होती है, ठीक है, उस पैसों से क्या किया जाएगा सर, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। आगे चले सर, इन ऑर्डर टू जनरेट कैश फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन इंक्लूडिंग डेट पेमेंट्स, यानी कि कहा गया है कि एसेट्स को सेल आउट करके वहां से जो कैश रेज होगा, वहां से जो कैश आएगा, उस कैश से जो भी उनके क्रेडिटर्स हैं उनको पे ऑफ किया जाएगा, ठीक है सर, उनकी पेमेंट होगी, जो भी कंपनी का डेट है उस डेट का पेमेंट होगा सर। सर ये देखिए सर, ये आप लोगों को एक लिक्विडेटर दिख रहा है, ये कौन है सर, ये लिक्विडेटर है सर, पेन पेपर लेके खड़े हैं सर। वो क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट्स को रियलाइज करेंगे। रियलाइजेशन ऑफ एसेट का मतलब होता है कि जो भी एसेट्स है कंपनी को, उन एसेट्स को सेल आउट करके वहां से कैश रियलाइज करना, उसे क्या कहते हैं सर, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अच्छा, कौन कौन से एसेट
किन किन चीजों को सेल आउट करके वो कैश रियलाइज करेंगे? सर, बिल्डिंग को सेल आउट करेंगे, स्टॉक को सेल आउट करेंगे, मशीनरी को सेल आउट करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है कंपनीज की, उसको सेल आउट करेंगे। लोन्स एंड एडवांसेस, अगर किसी को कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दे रखी है तो उससे क्या करेंगे सर, वो पैसा वापस लेंगे। अगर कोई डेटर है कंपनी का तो डेटर से पैसा वापस मांगा जाएगा कि सर आप कंपनी हम बंद कर रहे हैं, आपके पास जो भी कंपनी का बकाया है आप उसे चुकता कर दीजिए सर, हमें पैसा दे दीजिए। ठीक है, तो ये सारे वो एसेट्स हैं जिन एसेट्स को सेल करके कैश रियलाइज करेंगे, और इसी कैश के हेल्प से यहां पे जो भी लायबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करेंगे, रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटीज। यहां पे सर देखिए सर, एक सीक्वेंस होगा लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, एक सीक्वेंस रहता है लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। सबसे पहले क्या होंगे सर, जो भी पैसा आएगा उससे सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेंगे, उसके बाद लिक्विडिटी एक्सपेंसेस या फिर कहें लिक्विडेशन प्रोसेस को कंडक्ट करने में कुछ तो कुछ खर्च होगा सर। लिक्विडेटर तो मुफ्त में तो आपका काम करेगा नहीं, आपकी कंपनी का लिक्विडेशन तो मुफ्त में करेगा नहीं, तो उसको पेमेंट करना होगा, तो उसके खर्चे जो होंगे वो भी पे ऑफ किए जाएंगे इन्हीं कैश को रियलाइज करने, एसेट्स को सेल आउट करने के बाद जो कैश आएगा, जो कैश रेज किया जाएगा, उन्हीं कैश के, उन्हीं फंड के हेल्प से क्या किया जाएगा सर, लिक्विडेटर को फी भी पे किया जाएगा। इसके साथ साथ और भी डिफरेंट ऑब्लिगेशंस होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन प्रोसेस में जो भी खर्च आएगा उन खर्च को पे ऑफ किया जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, कोई भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको पे किया जाएगा, फिर से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा, एंड एट द एंड अगर पैसा बचता है तो वो अल्टीमेटली पैसा किसका होगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। इतनी तो बात आपको अब समझ में आ गई होगी सर। सर ऐसा कभी नहीं कर सकते कि पहले शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर दे। ठीक है सर, पेमेंट का एक सिक्वेंस होगा, इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे सर। आइए सर आगे देखते हैं। सर यह है लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। जब लिक्विडेशन प्रोसेस होगा तो लिक्विडेटर जो होते हैं वो एक लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं सर। वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, यहां पे कंपनी का नाम दिख रहा है आपको, ए लिमिटेड कंपनी, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये हो गया आपका डेबिट साइड सर, और ये हो गया सर आपका क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, जो भी यहां से क्वेश्चंस बनेंगे सर एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा, जो भी एसेट्स रियलाइज होते हैं, जो भी एसेट्स रियलाइज होते हैं, रियलाइज जो भी होगा एसेट्स, उसकी वैल्यू कहां पे लिखी जाएगी सर, डेबिट साइड ऑफ लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के डेबिट साइड में उन एसेट्स, जो जो एसेट्स रियलाइज हो रही हैं उसकी एंट्री होगी। उसी के साथ साथ जो भी लायबिलिटीज हैं, उन लायबिलिटीज की जो पेमेंट हो रही है उसकी एंट्री कहां होगी सर, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड में सर एंट्री होगी सर। लायबिलिटी एक्सपेंसेस, सॉरी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ट्रेड क्रेडिटर्स, आप चेकआउट कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं सर, ये सारे एक्सपेंसेस हैं या फिर लायबिलिटीज हैं। ये दो आपको दिख रहे हैं, ये एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लायबिलिटी है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होंगे ये सारे क्या हैं सर, लायबिलिटी आइटम है। तो इन सब का पेमेंट होगा सर एसेट के रियलाइजेशन के बाद। आगे आते हैं सर, अब यहां पे बात किया जा रहा है सर ऑर्डर इन विच रिसिप्ट्स आर सोन, यानी कि जो भी फंड रियलाइज करने के बाद जो भी रिसिप्ट हो रहा है कैश का, उस कैश को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, किस तरीके से दिखाया जाए, दर्शाया जाए, उसकी बातों उस पर बात की जा रही है। अमाउंट स्पेसिफिकली प्लेस्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स, only the surplus from it if any is entered as surplus from creditors। अच्छा सर, अभी हम लोगों ने बात किया था कुछ secured creditors भी होंगे सर liability side में। secured creditors कैसे होंगे सर, जिनके पास कोई ना कोई asset जो है वो क्या किया गया है सर, pledge किया गया है। pledge का मतलब क्या होता है सर, ये तो I think आप लोगों को पता होगा कि गिरवी रख के आपने loan ले रखा है, आपने, आपके कुछ क्रेडिटर्स होंगे जिनको आपने कुछ अपनी एसेट्स जो कंपनी की है वो आपने गिरवी रखा है। ठीक है,
तो अब जब आप उस क्रेडिटर्स को पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, लिक्विडेशन का टाइम आ गया, तो वो क्रेडिटर क्या करेगा कि आपके जो आपने जो एसेट्स गिरवी रखा है, प्लेज किया है, उस एसेट्स को वो सेल आउट करके कैश रियलाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख रुपीज का लोन ले रखा है, ठीक है, आपने अपनी बिल्डिंग बिल्डिंग जो है वो प्लेज कर रखा है, ठीक है, अब आपने पे ऑफ नहीं किया उस क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर ने क्या किया कि आपके इस बिल्डिंग को सेल आउट किया, कितने में सर, 12 लाख में, कितने में सर किया, सर 12 लाख में उसने इस बिल्डिंग को सेल आउट किया। एक्चुअली में उसके उसका लाइबिलिटी कितनी थी कंपनी पे, सर सर 10 लाख रुपीज की, तो यहां पे वो 2 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा वो रियलाइज कर रहा है, वो 2 लाख रुपीज वो कंपनी के पास आएगा सर, ये 2 लाख रुपए जो है वो कंपनी के पास आएगी सर, और उस जो वो जो 2 लाख रुपीज रियलाइज करेंगे वो किस नाम से शो करेंगे सर, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, किस नाम से सर उसे शो करेंगे सर, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज के नाम से सर, ये टर्म आपको याद रखना है सर, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं सर, ठीक है। आगे आइए सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स शुड बी कॉल्ड अप टू पे नेसेसरी अमाउंट इफ क्रेडिटर्स क्लेम या फिर क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद द अवेलेबल अमाउंट। यानी कि यहां पे ये कहा जा रहा है सर कि कई बार ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स पे से जो टोटल अमाउंट है, कॉल्ड अप वैल्यू है, वो पूरी नहीं मांगी गई है, ठीक है, कुछ अमाउंट जो है वो अनकॉल्ड है, तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन क्या होगा, उन इक्विटी शेयर होल्डर्स से वो फंड कॉल किया जाएगा सर, वो पैसे कॉल मनी का कॉल किया जाएगा। कब कॉल किया जाएगा सर, अगर मान लीजिए कि एसेट्स को रियलाइज कर लिए, उसके बाद पे भी कर दिए, तो कुछ उस पेमेंट करने के बाद भी कुछ क्रेडिटर्स बच जा रहे हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस बच जा रहे हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है उनको इंटरेस्ट नहीं मिल पाया, तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर से कहा जाएगा कि सर जो अनकॉल्ड वैल्यू है वो सर आप पे कीजिए, हमें लायबिलिटीज को पे ऑफ करनी है, तो ये बात कही जा रही है इस पॉइंट में। नेक्स्ट आते हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स टू कंट्रीब्यूशन मेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आर शोन ऑन द रिसिप्ट साइड। यहां पे क्या कहा गया सर, जो भी अमाउंट यहां पे कॉल किया जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, उसको किस नाम से सर दिखाएंगे सर, कहां पे शो करेंगे सर, उसे सर हम रिसिप्ट साइड में शो करेंगे सर, उसे हम किस कहां पे शो करेंगे सर, उसे हम रिसिप्ट साइड में शो करेंगे सर। आगे आइए सर, सर ये रिसिप्ट साइड कहां का है सर, सर ये रिसिप्ट साइड अभी हम लोगों ने लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो हमने देखा था वहां पर रिसिप्ट साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हम उस अमाउंट को शो करेंगे। आगे आते हैं, रिसिप्ट्स पर ट्रेडिंग अकाउंट आर ऑल्सो इंक्लूडेड ऑन द रिसिप्ट साइड। यानी कि जो भी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब से रहता है सर, 1st of April टू 31st of March, यही सर पीरियड है सर। अच्छा, कंपनी लिक्विडेट हो रही है 1st of October को, 1st of October को लिक्विडेट हो रही है, तो यानी कि 1st of April टू 1st of October ये जो 6 महीने का टर्म पीरियड है, इस 6 महीने के टर्म में अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न की है तो वो प्रॉफिट कहां दिखेगा सर, वो सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा सर, तो वहां का जो प्रॉफिट है वो भी कहां दिखेगा सर, आपको उस अमाउंट को भी रिसिप्ट साइड ऑफ द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में शो करना होगा सर। तो ये आपको कहा गया कि सर जो भी आपके रिसिप्ट्स होंगे उसको किस तरीके से आपको शो करना है। आगे चले सर, आइए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर इन विच पेमेंट्स आर मेड। अभी मैं बात कर रहा था कि जो भी लायबिलिटीज होते हैं उनको पे ऑफ करने का एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है, तो उसी ऑर्डर के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लीगल चार्जेस जो भी होंगे वो पे ऑफ किए जाएंगे, ठीक है। अब ये लीगल चार्जेस क्या है सर, सर कंपनी का लीगल चार्जेस जो भी कोर्ट कचहरी में खर्च जो हो रही है उन लीगल चार्जेस को पे ऑफ करने होंगे, ठीक है।
उसके बाद लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस, जो भी लिक्विडेटर का एक्सपेंस है वो पे ऑफ करना है आपको। लिक्विडेटर कौन है सर? मैंने अभी बताया कि वो इंडिविजुअल पर्सन जो कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस कंडक्ट करती है, वो लीगल अथॉरिटी जिनके पास लीगल इंटाइटलमेंट होती है कि कंपनी को वो लिक्विडेट करे, कंपनी के एसेट्स को सेल आउट करे और लायबिलिटीज को पे ऑफ करे, उनकी जो एक्सपेंसेस होगी वो पे ऑफ किया जाएगा सर। उसके बाद क्या होंगे सर? डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट की पेमेंट होगी सर, डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। आफ्टर डेट क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा। अब क्रेडिटर्स में भी सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि सबसे, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते कि पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे और उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे। नहीं सर, सर इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का डेफिनेशन में ही दिया जाता है कि वो क्रेडिटर्स है जिनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो होते हैं उनसे पहले पेमेंट की जाती है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है सर, आगे आते हैं। उसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स की पेमेंट होगी और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो किसका होगा सर? अल्टीमेटली सर वो अल्टीमेटली ओनर ऑफ द कंपनी कौन होते हैं सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनका होगा सर। क्लियर है सर? तो ये सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। यहां से आपको सर रीअरेंज का क्वेश्चन मिलेगा सर आपको एग्जाम में, यहां से आपको रीअरेंज का क्वेश्चन मिल सकता है कि इसको रीअरेंज कीजिए स्टेटमेंट को कि कौन किसकी सीक्वेंस क्या होगी सर। ठीक है सर, किस सीक्वेंस में लायबिलिटीज की पेमेंट होगी सर। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा उस पर भी ध्यान दे देते हैं। द फिक्टिशियस एसेट्स, आप लोगों को पता होगा कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता होगा फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। द फिक्टिशियस एसेट्स सच एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शुड नॉट बी टेकन एज एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है सर, इसके बारे में बता दीजिए सर। उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। कहा जा रहा है कि जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होंगे, जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होंगे जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है सर? ये एक फिक्टिशियस एसेट्स है। ठीक है, तो इस फिक्टिशियस एसेट्स को हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एज एन एसेट हम लोग शो नहीं करते हैं। अगर आपको याद होगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग शो करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। और अभी हमने बात किया कि जो भी एसेट्स होंगे उसको रियलाइज करते हैं तो उसे कहां दिखाते हैं सर? उसे रियलाइज करके रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं सर, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। उसी तरीके से अब जो ये जो एसेट्स होते हैं, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसा होगा। ठीक है, उसमें हम लोग सारे एसेट्स को शो करते हैं, जो भी बैलेंस शीट में आपका एसेट्स दिख रहा है उसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस टाइम पे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमारे बैलेंस शीट में होगा उसे हम शो नहीं कराएंगे सर। कहां पे सर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड बाय द क्रेडिटर्स देमसेल्फ। क्या कहा जा रहा है सर यहां पे? अभी हमने बात किया कि आपने कुछ प्लेज किया है, कोई अपनी एसेट्स चाहे बिल्डिंग हो चाहे मशीनरी हो, और आपने क्या किया है? फंड लोन लिया है। तो उस केस में ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएंगे, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास जो भी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी आपने जो भी एसेट्स रखा है, उस एसेट्स को रियलाइज कौन करेंगे सर? उस एसेट्स को रियलाइज वो क्रेडिटर खुद करेंगे। उसमें आप एज अ कंपनी के जो लिक्विडेटर हैं वो उस एसेट्स को रियलाइज नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए सर। लिक्विडेटर्स जॉब इज टू रियलाइज द सरप्लस फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अभी मैंने बात किया कि आपने 10 लाख रुपीज का लोन ले रखा है, आपने बिल्डिंग दे रखा था किसपे सर? एज अ प्लेज, एज अ सिक्योरिटी, और उस बिल्डिंग को सेल आउट करके 12 लाख रुपीज रेज किया गया। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज है, ये जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज है, वही क्या करेंगे सर? लिक्विडेटर क्या करेंगे सर? वो रियलाइज करेंगे। ये जो सरप्लस अमाउंट है, इसी को कहा गया है यहां पे सरप्लस अमाउंट, इसी को कहा गया है सरप्लस अमाउंट। और लिक्विडेटर सिर्फ और सिर्फ इस सरप्लस अमाउंट को क्या कर सकते हैं सर? रियलाइज कर सकते हैं। लिक्विडेटर का ये काम नहीं है कि ये
बिल्डिंग जो एज अ प्लेज दिया गया था, एज अ सिक्योरिटी दिया गया था क्रेडिटर को, उसको रियलाइज करना, ये लिक्विडेटर का काम नहीं है, ये किसका काम है सर, उस सिक्योर्ड क्रेडिटर का काम है। आगे आइए, एनी मनी रिसीव्ड बाय दी कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस विल बी पेड इन प्रायोरिटी टू एनी पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डेट क्लास। यानी कि अगर अगर कॉल्स इन एरियर्स जो था वो क्या था सर, सॉरी कॉल्स इन एडवांस जो था, उस कॉल्स इन फॉर एग्जांपल किसी इक्विटी शेयर होल्डर्स से तरफ से कॉल्स इन एडवांस आ चुका है, ठीक है सर, और क्या हो गया कि सर हमने अपने एसेट्स को रियलाइज किया, लायबिलिटी को पे ऑफ किया, उसके बाद भी हमारे पास फंड है, तो सबसे पहले वो ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स जिनका कॉल्स इन एडवांस पेमेंट था उनको सबसे पहले पेमेंट की जाएगी, उन इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना उन्होंने इन एडवांस पेमेंट किया था कंपनी को कॉल्स इन एडवांस के फॉर्म में, सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी पे पेमेंट की जाएगी सर। क्लियर होगा सर ये पॉइंट, ये यहां पे आपको तीन पॉइंट था, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा सर। अब बात आती है कि सर अभी हम लोगों ने बात किया सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की, कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स को शो नहीं करते हैं सर, तो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है सर वो जरा बता दीजिए। आइए सर देखते हैं, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट अ पेटीशन प्रेजेंटेड बाय द कंपनी फॉर वाइंडिंग अप बिफोर द ट्रिब्यूनल शैल बी एडमिटेड ओनली If accompanied by a statement of affairs, यानी कि कंपनीज एक्ट का कहना है कि अगर आप वाइंड अप करने जा रहे हैं, कंपनी का लिक्विडेशन करना चाहते हैं, कंपनी को बंद करना चाहते हैं, ताला लगाना चाहते हैं कंपनी के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, पहले सबसे पहले ट्रिब्यूनल को आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के क्या करना पड़ेगा सर, सेंड करना पड़ेगा सर। अब ये सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या होता है सर, ऐसी चीजें जो उसी बनाई जाती है कंपनी को वाइंड अप करने से पहले सर, इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में वो सारे एसेट्स होते हैं जो कंपनी के पास है, वो सारी लायबिलिटीज होती है जो कंपनी के पास है, ठीक है, वो सारे एसेट्स, वो सारे लायबिलिटीज, वो जो भी उनके पास थोड़े बहुत कैश बचे हुए हैं, थोड़े बहुत बैंक बैलेंस बचे हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कहां पे होगी सर, इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको दिखाना होगा सर, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं सर, अपनी कंपनी का वाइंड अप प्रोसेस, लिक्विडेशन का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं सर। आगे आइए सर, आगे आइए जरा और भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में और भी थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं डिटेल में। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शुड कंपनी एट लिस्ट, इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आठ लिस्ट होते हैं, कितने सर लिस्ट है सर, एट डिफरेंट लिस्ट है, यहां पे सारे लिस्ट के बारे में मैं दे रखा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। लिस्ट ए, लिस्ट ए क्या कंटेन करती है, प्रॉपर्टी नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एंड नॉट इंक्लूडेड एनी अदर लिस्ट, यानी कि लिस्ट ए में वो सारे प्रॉपर्टी होते हैं, वो सारे एसेट्स होते हैं जिनको प्लेज नहीं किया गया है, ठीक है, जिनको क्रेडिटर्स जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको एज अ सिक्योरिटी नहीं दिया गया है, उनको एज अ प्लेज नहीं किया गया है, उन एसेट्स को कहां पे शो किया जाता है सर, लिस्ट ए में। एक चीज और यहां पे दिया गया है, नॉट इंक्लूडेड एनी इन एनी अदर लिस्ट, यानी कि ये वो एसेट्स होंगे, ये वो प्रॉपर्टी होंगे जिनको किसी दूसरे लिस्ट में शो नहीं किया गया हो, ठीक है सर, वो क्या कहलाएंगे, वो कहां पे शो किया जाएगा उनको, उनको सर लिस्ट ए में दिखलाया जाएगा। लिस्ट बी में वो एसेट्स स्पेसिफिकली आते हैं जिनको प्लेज किया गया है, किसके पास सर, क्रेडिटर्स के पास, चाहे वो फुल्ली प्लेज्ड हो या फिर पार्टली प्लेज्ड हो, या फिर कह सकते हैं पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो, ठीक है, वो एसेट्स जिनको इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेज दिया गया, इन द फॉर्म ऑफ अ सिक्योरिटी दिया गया है किसी क्रेडिटर्स को, उनको कहां पे सर दिखलाया जाएगा सर, शो किया जाएगा सर, लिस्ट बी में सर। लिस्ट सी में वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जिनका रेट्स, टैक्सेस, सैलरीज, वेजेस और किसी भी अदर जो भी आउटस्टैंडिंग है उनको कहां दिखलाया जाएगा सर, लिस्ट सी में। लिस्ट डी विल कंसिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज, जो भी डिवेंचर होल्डर्स है जिनके ऊपर फ्लोटिंग चार्जेस है उनको कहां पे दिखलाया जाएगा सर, लिस्ट डी में सर। एक बार आप लोगों को बस एक बार गो थ्रू कर लेना है इन लिस्ट से, ताकि आप
आपको वहां पे जब मैच द फॉलोइंग यहां से बनेगा सर, यहां से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चंस बनेगा सर, तो आपको ये चीज आप जब एक बार गो थ्रू किए रहेंगे तो आपको मैच द फॉलोइंग में आसानी होगी सर। उसके बाद आइए सर लिस्ट ई में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कहां दिखलाया जाएगा? लिस्ट ई में। लिस्ट एफ विल कंसिस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहां पे होंगे सर? लिस्ट एफ में। और लिस्ट जी विल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड एट द एंड लिस्ट एच विल कंसीडर डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट। जो भी लिक्विडेशन करने के बाद अगर सरप्लस फंड बच जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टोटल लाइबिलिटी जो कंपनी की थी वो 5 CR की थी, 5 करोड़ रुपए की टोटल लाइबिलिटी थी, कंपनी ने एसेट्स को सेल आउट करके 8 CR फंड रेज कर रही है, कैश रेज कर रही है रियलाइज करने के बाद, तो ये जो 3 CR का, ये जो 3 CR की जो डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या होगी सर? सर ये सरप्लस होगी। इसे कहां पे दिखलाया जाएगा सर? इसे लिस्ट एच में दिखलाया जाएगा। इसी का एक अपोजिट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 CR का क्या है सर? लाइबिलिटी है। कंपनी ने एसेट्स को बाकी सारे जो अनकॉल्ड अमाउंट था वो भी कॉल करने के बाद टोटल 3 CR का क्या होता है सर? वो कैश रियलाइज कर पा रही है। तो ये जो 2 CR का ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा सर? ये डेफिसिट होगा, या फिर कह सकते हैं डेफिशिएंसी होगी। उसे भी कहां सर दिखलाया जाएगा सर? लिस्ट एच में। वही कहा जा रहा है किसी भी तरह की डेफिशिएंसी हो या फिर किसी भी तरह की सरप्लस अकाउंट होगी उसे कहां दिखलाएंगे सर? लिस्ट एच में। अब सर बात होती है कि सर याद इसे कैसे रखा जाए सर? ये तो बहुत बड़ा लिस्ट है सर, इसे याद कैसे रखा जाए? जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ध्यान से समझिएगा तो। सबसे पहला दो लिस्ट में तो एसेट्स है, सबसे पहला एसेट्स वो है जिन जो क्या है सर? प्लेस्ड नहीं है। दूसरे लिस्ट में कौन है? वो एसेट्स है जो प्लेस्ड है, ठीक है सर। तीसरे में वो है कौन है सर? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटीज है उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट पे जिसकी पेमेंट होगी उन क्रेडिटर्स को रखा गया है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स का रखा गया है जिन जो कि क्या है सर? सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस है, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस है, आपको पता होना चाहिए। अगर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस नहीं होंगे डिबेंचर्स तो वो डिबेंचर्स कहां पे आएंगे सर? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में ही आएंगे सर, ठीक है सर। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है सर। तो ये एक सीक्वेंस है, जरा आप ध्यान से देखिएगा तो आप लॉजिकली सोचिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लिस्ट को प्रेजेंट किया गया। सबसे पहले एसेट्स को रखा गया, फिर जैसे जैसे लायबिलिटी में जिसकी जिसकी प्रेफरेंस जिस अकॉर्डिंगली होगी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड उस सीक्वेंस में उसे रिप्रेजेंट किया गया है लिस्ट में सर। आगे चले सर, आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा सर। आइए सर, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होता है उसका दो पार्ट होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का दो पार्ट होता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का दो पार्ट होता है, जो पार्ट वन होता है वहां पे ग्रॉस एसेट्स दिखते हैं, और जो पार्ट बी होता टू होता है वहां पे क्या दिखता है सर? वहां पे दिखता है ग्रॉस लायबिलिटीज सर, ठीक है सर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा सर? हम लोगों ने ओवरऑल पूरी टॉपिक जो है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी को हम लोगों ने डिटेल में समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेटर, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है सर, फिर व्हाट इज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, किस ऑर्डर में सर क्या करेंगे सर? लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी रिसिप्ट्स को, किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लायबिलिटीज को, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा, डिस्कस किया। तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे प्लेटफॉर्म पे विजिट करते रहिएगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, एमकॉम पीजी के प्रोग्राम के एंट्रेंस के लिए, सीयूईटी के लिए, उन सारे टॉपिक्स पे मैं आपको इसी तरीके के शॉर्ट में और बिल्कुल क्रिस्प में आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।